Hello children, this is chapter 11, the Delhi Sultanate. In the previous video, we had studied about the Qutbuddin Aibak and Iltutmish. In this video, we will read about the old slave dynasty and Khilji dynasty and Tughlaq dynasty. So students, I will give you summary, so you will have to read this chapter carefully. After the Iltutmish Rajiya Sultan ruled on Delhi as a sultan, the duration of the Rajiya Sultan's rule was 1236 AD to 1240 AD. Iltutmish had nominated his daughter Rajiya as his successor because he did not consider any of his sons worthy of his throne. But the Turkish nobles did not like the idea of being ruled by a woman and they started revolting against her. तो इल्तुतमिश ने अपनी जो बेटी थी उसको अपना सक्सेसर उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन जो वहां के तुर्किश जो थे उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि कोई वीमेन उनके ऊपर राज करे और उन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिए, जबकि उसने इसलिए बनाया था कि वो अपने बेटों को उस लायक नहीं समझता था कि वो गद्दी संभाल सकेंगे। रजिया के खिलाफ विद्रोह होने लगे और क्रांति होने लगी। टू सप्रेस दिस रिवोल्ट रजिया अटैक्ड लाहौर और उसने उसे दबाने के लिए लाहौर पर अटैक किया एंड एट लास्ट शी किल्ड, लास्ट में वो मारी गई। आफ्टर रजिया बहराम शाह अलाउद्दीन नसरुद्दीन महमूद बिकेम सुल्तान बट देवर ऑल इनकम्पिटेंट, और ये जो सारे थे ये इनकम्पिटेंट थे, उस लायक नहीं थे जो कि बहुत समय तक राज कर पाते। तो उसके बाद जो पावरफुल राजा हुआ वो था बलवन, स्लेव डायनेस्टी का बलवन हुआ। महमूद अपॉइंटेड बलवन एज हिज वजीर, महमूद ने बलवन को वजीर के रूप में अपने यहाँ अपॉइंटेड किया था, और आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद बलवन अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और जैसे ही महमूद की डेथ हो गई, वो चाइल्डलेस था, इसलिए बलवन ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और उसने फिर 20 ईयर्स तक राज भी किया। जैसे ही बलवन राजगद्दी पर बैठा, सबसे पहले उसने 40 आमिर्स का जो ग्रुप था उसे डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वही 40 आमिर्स का सबसे पावरफुल किंग था, पावरफुल मैन था जिसने कि गद्दी संभाली थी। तो उसे सबसे पहले उसने उसी को डिस्ट्रॉय किया। उसे डर था कि कोई उसके उसी की तरह कोई दूसरा उसको उसके खिलाफ ना खड़ा हो जाए, इसलिए हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज द किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ एंड सो एवरीबडी मस्ट ओबे हिम। उसकी सबसे पहली थ्योरी तो यह थी कि वह यह मानता था कि अर्थ पर जो राजा है वह भगवान का भेजा हुआ दूत है और हर व्यक्ति को उसकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। सो दोज हु केम टू सी हिम They have had to do सिजदा in his presence। तो जो उनके सामने आता था उन्हें सिजदा करना होता था, और सिजदा होता था घुटने पर बैठकर, जमीन में घुटने पर बैठकर सिर को भूमि तक झुकाना, दिस वॉज द सिजदा। तो उसके सामने जो भी आता था उसे सिजदा करना होता था। जो बलवन था बहुत ही क्रूर शासक था, इसके साथ साथ वो जो उसके खिलाफ जो रेबिलिशियस होते थे उन्हें वो बहुत ही क्रूरता से उन्हें पनिश करता था, और वह ब्लड एंड आयरन की नीति को अपनाता था, इसलिए उसे ब्लड और आयरन की पॉलिसी का सुल्तान भी कहा जाता था। वह क्रूअल तो था लेकिन साथ ही साथ वो न्यायप्रिय शासक भी था, जो गुलामों, क्योंकि वो स्लेव डायनेस्टी से था तो जो गुलामों के साथ अमानवीय व्यवहार करते उनको वो बहुत ही कड़ी सजा देता था। और उसने दिल्ली के आसपास के सारे जंगल्स को उसने कटवा करके और चौकियों का निर्माण करवा दिया था, ताकि वो जो अटैक होते रहते थे मंगोल्स और मेवाड़स के, उनसे वो अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके। तो जो लास्ट पावरफुल शासक रहा स्लेव डायनेस्टी का वो बलवन था। उसके बाद द लास्ट सुल्तान स्लेव किंग कैकुबाद इन 1290 AD वॉज किल्ड बाय द जलालुद्दीन एंड फाउंड द खिलजी डायनेस्टी। सो खिलजी डायनेस्टी, द ड्यूरेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज 1290 टू 1320 AD एंड जलालुद्दीन वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। When he ascended the throne, he was 70 years of age. जब वो गद्दी पर बैठा जलालुद्दीन तो वो 70 वर्ष का था।
बट हिज नेफ्यू अलाउद्दीन वॉज द सूबेदार ऑफ अवध, लेकिन उसका जो नेफ्यू था अलाउद्दीन वह अवध का सूबेदार था और उसने देवगिरी और देवगिरी से उसने देवगिरी को जीत लिया और वहां से आरा बहुत सारा धन लेकर आया, लेकिन अपनी एम्बिशियस के कारण ही किल्ड हिज अंकल एंड कैप्चर्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। और जब उसने देखा कि उसके अंकल ने गद्दी संभाल ली है तो उसने अपने अंकल को मार दिया और खुद ही राजा बन गया। अलाउद्दीन खिलजी द रूल ड्यूरेशन ऑफ द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज द 1296 to 1316 AD। अलाउद्दीन बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, अलाउद्दीन जो था वो विस्तारवादी नीति को मैं विश्वास करता था, जैसे कि इस समय चीन कर रहा है वैसे ही वह भी विस्तारवादी नीति में एक्सपेंशन की नीति विश्वास कर, और इसलिए उसने बहुत सारे राज्यों को जीता। ही वॉज रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज द सेकेंड अलेक्जेंडर और सिकंदर सानी, वो अपने आप को दूसरा विश्व विजेता बनाना चाहता था और इसलिए वो खुद को सिकंदर सानी भी कहता था, क्योंकि पहला सिकंदर का जो अलेक्जेंडर का नाम था वह, तो ये अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर समझता था या मानता था, और यह सिकंदर सानी वो अपने आप को कहलवाना पसंद करता था। बहुत सारे राज उसने इसलिए जीते, उसकी जो मिलिट्री थी वह भी बहुत पावरफुल थी। ही अपॉइंटेड एवरी सोल्जर एज पर देयर एबिलिटी एंड द डिटेल्स ऑफ द सोल्जर्स फॉर एग्जाम्पल हाइट वेट एक्सेट्रा वर मेंटेन, और उसकी जो आर्मी में जो थे वो हर व्यक्ति को अपनी काबिलियत के हिसाब से उसे अपॉइंट करता था और काम देता था, और हर सोल्जर का उसके पास डिटेल होता था, रजिस्टर्ड होता था, मेंटेन होता था। रजिस्टर मेंटेन मतलब कुछ भी लिखित में मेंटेन किया जाता था, जैसे हमारे यहाँ भी रजिस्टर मेंटेन होता है कि किसकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ हर सोल्जर के बारे में वो जानकारी रखता था। अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ही अपॉइंटेड एबल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर who used to keep a watch on the traders and merchants. He fixed the prices of various commodities. He prescribed strict punishment for those who violated the rules. तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम को अपनाया, उसने मार्केट के प्राइस को फिक्स कर दिया, वहाँ पर जितनी वस्तुएं होती थी उनके प्राइजेस को फिक्स कर दिया, और जो इन रूल्स को नहीं मानता था उन्हें बहुत ज़्यादा कड़क पनिशमेंट दिया जाता था। Then revenue policy, land revenue for all the lands was refixed on the measurement of the land. और जो उसने जो जिसके पास जितनी ज़मीन होती थी उसके हिसाब से उसने land revenue fix कर दिया, उसके हिसाब से उसने tax fix कर दिया। Half of the produce was fixed as revenue. और जितना भी production होता उसका half उसे देना होता था as a revenue. और अलाउद्दीन died in AD 1316. In 1320 AD, Ghiyasuddin Tughlaq proclaimed himself as the ruler of Delhi after killing the last Khilji ruler, Nasruddin Khusro Shah. 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तब वहां से तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई। The duration of the Tughlaq dynasty was 1320 to 1414 AD. Ghiyasuddin Tughlaq ruled 1320 to 1325 AD. Ghazi Malik, who assumed the title of Ghiyasuddin Tughlaq, was the founder of the Tughlaq dynasty. He liberalized various harsh measures imposed by Alauddin Khilji and restored peace and order in the kingdom. He built the fortified city of Tughlaqabad in Delhi. गाजी मलिक जो था उसने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि दी और वह तुगलक डायनेस्टी की उसने नींव रखी। वह जो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी उनके पक्ष में नहीं था और उसने शांति और कानून की व्यवस्था बनाई के अपने किंगडम में, और उसने तुगलकाबाद की स्थापना भी की दिल्ली में। आफ्टर दैट ऑफ गयासुद्दीन तुगलक हिज सन जूना खान टुक द टाइटल्ड मोहम्मद बिन तुगलक एंड असेंडेड द थ्रोन। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा जूना खान गद्दी पर बैठा और उसने अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दी और उसने रूल किया 1325 से लेकर के 1351 AD तक।
फॉर द प्रोग्रेस एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक फॉलोड मैनी न्यू पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट लाइक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, टैक्सेशन इन दोआब. सबसे पहले उसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया. दिल्ली निवासियों को दौलताबाद जाने के कठोर आदेश दे दिए, लेकिन रास्ते में बहुत कष्ट हुए और वहाँ की जो क्लाइमेट था वहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आया, और फिर से वापस 5 साल के अंदर ही उन्हें दिल्ली वापस अपनी राजधानी बनाना पड़ा. उस समय विश्व में चांदी के उत्पादन में कमी आ गई, तो फिर उसने तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू कर दिया. तो क्वेश्चन बनता है कि तांबे के सिक्कों का हु इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी, तो द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है एंड रीड द चैप्टर वेरी डीपली. मोहम्मद बिन तुगलक ने आय बढ़ाने के लिए गंगा और यमुना के बीच में एक भूमि पड़ती है दुआब में, उसने वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया और उस वक्त वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, तो लोगों में बहुत असंतोष फैल गया एंड 1351 में इसकी डेथ हो गई. तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट पावरफुल रूलर था वो फिरोज शाह तुगलक था. उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो उतने पावरफुल नहीं थे और इसलिए उसकी सल्तनत सिमट कर रह गई थी. सो फिरोज शाह तुगलक रूल्ड 1351 टू 1381. After the death of Muhammad bin Tughlaq, Firuz Shah became the Sultan. He adopted the policy of appeasement of again the support of his nobles and almis, ulemas. He built so many lakes, hospitals, parks, dams, canals, etc. He worked for the welfare of his people. After the death of Firuz Shah, his empire started disintegrating. The last ruler of this dynasty was Nasruddin Muhammad. Timur, the Mongol ruler from Central Asia, invaded India in the duration of the Nasruddin Muhammad rule, and he reached Delhi in 1398 AD and ordered a general massacre, and they robbed, disgraced and butchered the people. He returned in 1399 AD. और नसरुद्दीन के समय में ही जो मंगोल शासक तैमूर लंग था उसने भारत पर आक्रमण किया था. 1398 में दिल्ली पहुंचकर उसने लोगों को नगर को लूटा, लोगों को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया. 1399 में फिर वो वापस लौट गया. तो यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी समाप्त होती है. इसके बाद सैयद डायनेस्टी स्टार्ट होगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.